जो कि सो गाइस आज है बिग बॉस का लास्ट डे, आज फिनाले में पता लग जाएगा कि कौन जीतेगा आज बिग बॉस। जस्सी से पूछते हैं कि जस्सी किसको सपोर्ट कर रहा है। जस्सी आज कौन जीतेगा बिग बॉस में? सलमान खान। तो आपके हिसाब से कौन जीत जाएगा आज? आज फाइनल है। सिस्टम गैंग, सिस्टम गैंग। और कंटिन्यू वोट भी कर रहे हैं भाई को, करते जा रहे भाई। भाई भी टॉप टू टकल रहा है, मनीषा रानी एक्टेड हो गई, धक धक हो रही है गाइस। देखते हैं कौन डिसीजन वेटिंग। द विनर अभिषेक इस बार मोस्ट डिजर्विंग विनर हुआ है बिग बॉस का। सत्याकाल गीता जी, मैं गुरजीत सिंह, आई एम बैक विद न्यू डे गाइस। सो नए दिन के साथ नहीं शुरुआत हो चुकी है। सो गाइस आज है बिग बॉस का लास्ट डे, आज फिनाले में पता लग जाएगा कि कौन जीतेगा आज बिग बॉस पे। वैसे तो 5 फाइनलिस्ट हैं। वैसे मैं बिग बॉस डेली नहीं देखता हूँ, पर कभी कभी देखता हूँ, हाल फिलहाल थोड़े हाईलाइट देखता हूँ, रील्स वगैरह आते हैं वो देखता हूँ। तो आज फिनाले है तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ है फुकरा इंसान और अलिफ यादव के बीच में कि वही जीतेंगे वही जीतेंगे। 5 जाने फाइनलिस्ट हैं, जो कि एक बेबी का पूजा भट्ट, अलिफ यादव, मनीषा रानी और अपना फुकरा इंसान। तो मैंने तो सुना है कि फुकरा इंसान हॉस्पिटलाइज्ड है, एक हफ्ते से बुखार ही था बहुत ज़्यादा। और कल लाइव शो में जब टोनी कक्कर और आशीष कौर आए थे तो डांस करने के चक्कर में वो एकदम और ही बीमार हो गया और उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, एडमिट है वो अभी। तो ट्रेगर इंसान लाइव आया था, उसने भी बताया था ये चीज़, और उसकी बहन जो प्रेरणा है मल्हान, उन्होंने भी बताया था। तो इसके चक्कर में शायद तो फुकरा इंसान आउट है, पर एक दिन में डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि अलिफ यादव भी वाइल्ड कार्ड है, वो बहुत बाद में आया था। देखो मैं कुछ भी जो बोलता हूँ वो पब्लिक के रिव्यू से नहीं बोलता हूँ, मैं अपना पीओ भी देता हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है शो के बारे में, इसके बारे में और फाइनलिस्ट के बारे में। तो इसके बारे में वो तो आज पता लग जाए कौन जीतने वाला है, बट अभी देखते हैं, बाहर चलते हैं, लोगों से भी ओपन ले लेता हूँ कि तेरे हिसाब से कौन जीतने वाला है, पर वो तो आज फाइनलिस्ट में पता लग ही जाएगा। बट फिर भी आज हम ओपिनियन लेंगे जो नहीं देखते उनसे भी और जो देखते हैं उनसे भी। लेट्स गो, बाहर निकलते हैं। तो गाइस जैसे कि आपने, मैंने आपको बताया था कि बिग बॉस में आज कौन जीतने वाला है, आज पूछते हैं जस्सी से, पूछते हैं कि जस्सी किसको सपोर्ट कर रहा है। जस्सी आज कौन जीतेगा बिग बॉस में? सलमान खान। सलमान खान कौन जीतेगा? ये बोला सलमान खान, सलमान खान होस्ट कर रहा है, मेरे सलमान खान ही जीतेगा। हेलो रे। तो भाई अभी हम लोग आदर्श भाई से पूछते हैं कि बिग बॉस में सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कौन है। वैसे तो भाई अभी अपना जो फुकरा इंसान है वो अभी हॉस्पिटलाइज है, अभी खाली 4 दिन अंदर बचे हैं, बेबी का, मनीषा रानी और अलिश यादव और वो पूजा भट्ट। तो आपके हिसाब से कौन जीत जाएगा आज? आज फाइनल है। मेरा दिल तो ऐसे ही बोलता है ऑलवेज अलिश यादव ही जीतेगा, क्योंकि उसकी जो फैन फॉलोइंग है, मतलब उसकी अलिश यादव की जो आर्मी है, मतलब बहुत ज़्यादा कड़क है। सलमान खान नहीं जीतेगा? सलमान का जो वोट करता है। अच्छा, अलिश यादव तो जैसे अलिश यादव वो वाइल्ड कार्ड में आया था एक महीने बाद, पर उससे पहले भी अभिषेक था, तो भी आपको क्या लगता है जीत पाएगा? जीत पाएगा वन साइड, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। अलिश यादव की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। अच्छी बोलो भाई, आपके बेबी का बुलेट निकालते हुए ए हाय। सभी हम लोग, सब लोग जा रहे हैं सीएसबी, और ये देखो आदर्श भाई की गाड़ी है, इसकी सिट्टी पिट्टी गोल है गाइस, ना ब्रेक है ना क्या है, इतना मुश्किल से चला रहा हूँ और सब लोग से पीछे हम दोनों हो गए, अभी भगाना पड़ेगा सब लोग। तो मेरे को लग रहा है सीएसबी पहुँच भी करेंगे भाई, मतलब भगाते हैं इसको। ये आदर्श भाई की गाड़ी है, देखो सिट्टी पिट्टी गोल, यही वो गाड़ी है जो फेमस हो गई थी वो डर्मी गोल का वंसा था गर्मी में, जो पूरे न्यूज व्यूज़ में आ गई थी, लोग गाड़ी में बैठ के नहा रहे थे पीछे आदर्श भाई और लड़की। देखो ये अपना चोपड़ा रोड है, बस पहुंचने वाले, आगे से राइट लेने के फिर पहुंचेंगे सीएसपी। हमको लगा कि हम लोग सबसे लेट पहुंच गए, हम लोग सबसे पहले पहुंच के यहाँ पे खड़े भी हो गए हैं, और इन लोग का पता ही नहीं है, ये बोला घूम घूम के आ रहे हैं। फोन किया भाई ने। सिस्टम गैंग, सिस्टम गैंग। देखो सब लोग बिग बॉस देख ही रहे और कंटिन्यू वोट भी कर रहे हैं भाई को, अनलिमिटेड आज चालू है। वैसे ये व्लॉग तो फाइनल पता चल जाएगा उसके बाद ही आएगा, पर मैं दिखा रहा हूँ कि अलिश यादव को सब लोग वोट करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं। देखो भाई, भाई मेरे को बोलते हैं कि अपना मोबाइल चला करो, जियो सिनेमा है, मैंने बोला है, बोलते हैं अलिश को वोट करो, मैंने भाई कर दिया कब से मैंने। अलिश के सपोर्टर
खाली ये नहीं कर रहे भाई। भाई मैंने घर पे ही कर दिया था, मैंने घर पे ही कर दिया था, मेरा सिस्टम अभी करता रहे सिस्टम है। पाकिस्तान हिंदू भाई, देखो अलग है हम, अभी गणपति रख रहे भाई। चलो जुगल भाई, गुरु नु सब्सक्राइब करो यार, गुरु नु सब्सक्राइब। गुरु को सब्सक्राइब, उसको तो वोट मिल रहे हैं, गुरु को सब्सक्राइब करो भाई को, बहुत उच्ची उच्ची हवेलियां ले जाओ। बिग बॉस भेज दो, भेज दो भाई को, बिग बॉस भेज दो, आएंगे आएंगे भेजने भी आएंगे। और आगमन है 15 को हम लोग का, तो गुरु भाई को इन्विटेशन दिया है, सबको दे रहे हैं। कौन सा ग्रुप भाई? कस्टर था उल्लासनगर का, सारे मेरे भाई लोग आना और गुरु को मेन सपोर्ट करो, बिकॉज भाई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है एंड वो मेहनत रंग लानी चाहिए। 15 तारीख को म्युनिसिपैलिटी से आगमन चालू है, गुरु भाई भी तुम सब भी आ जाओ। ग्रुप का नाम उल्लासनगर का कस्टर्ड था। वन साइड वन साइड। सो गाइस अभी टॉप 3 मतलब 2 चल रहा है, मनीषा रानी एविक्टेड हो गई है और अभी एल्विश और फुकरा इंसान है टॉप 2 में। देखते हैं अभी एल्विश मतलब फुकरा इंसान की बहुत हालत ख़राब थी पर फिर भी वो आया है फिनाले में, देखते हैं अभी चल रहा है। मेरे लिए पहली बारी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं टॉप 2 तक पहुँचा वाइल्ड कार्ड होने के बावजूद। हाँ ये बात तो है, ज़्यादा ग्रेटफुल और जो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मैंने वीडियोस में भी देखा उनसे बहुत दिल से थैंक यू। अभी चलते हैं अंदर, अपना पूरा सिस्टम गेम का अंदर है, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं भाई फाइनल, वैसे तो आपको पता लग जाएगा कौन है फाइनलिस्ट, पर अभी सिस्टम गेम पूरी अंदर है अपनी। देखो दिल में धक धक हो रही है गाइस, देखते हैं कौन जीतता है। ओवर सीरियस बता भाई जल्दी। तुम्हें अभी मजे ले रहे यार। क्या कहा था आपने? कब आए थे? नकली कब आए? हाँ ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? और वाइल्ड कार्ड के पता क्या कहा था? चलो एंड द विनर इज एल्विश। ओ एल्विश यादव जीत गया भाई, क्या बात कर रहा है। अरे नहीं नहीं मजा ले रहे सलमान खान, मजे ले रहा है यार। अरे यार क्या मजे ले रहा है। कौन जीत रहा है ये हमें जैसे कहते भाई, सिस्टम गैंग आ जाओ सिस्टम गैंग। अरे भाई खतरनाक भाई, जीतेगा ना मां का बोल देगी खराब होएगा फिर। अरे भाई उसका बिग बॉस का स्कोर ही टूट जाएगा, गलती हो जाएगी क्या? अरे क्या है ऐसे जोड़ी करके सस्पेंड कर दिया भाई, मैं बता दूं ये इसको जिताएगा, ये इतना कर रहा है ना तो उसको जिताएगा वो ऊपर को। अभी देखते हैं अभी वो एलविश, देख एलविश यादव से बात क्या, इसको ही जिताएगा। मारो फोन तो भी और बस सारो फोन बावे गाड़ी में क्या अच्छा मारे को ना सिस्टम गेम वीडियो भाई, मैं स्नैप भेजूंगा वही बोलो। कौन जीता है? दिख 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 डिसीजन वेंडिंग भाई वही जीतेगा, इसको दीदी ने घबराना होगा, वही जीतेगा। थोड़ी देर एल्विश यादव पर बोला मत अभी ले जा देखा कलाकारी ध्यान कर दो मुझे एलविस एलविस जीते हां जनता, हां जनता जनता जीती है जी। इनके दे वोट अच्छा 70 लाख जाने वाला, 7 मिलियन जा रहे देख रहे लाइव। जनता के मुताबिक
अभिषेक इज एलविस। बाप तो बाप जीत गया एलविस भाई। एक हजार एक गाड़ी निकलने वाली है भाई, अभी चक्का जाम होने वाला भाई। आदेश भाई सही बोला तुमने, एलवेज ही जीतेगा, एलवेज ही जीता। क्या भाई बंटी भाई कैसा लग रहा है भाई? क्या बोला था? एलविश जीतेगा और नहीं, एलविश यादव वन साइड। हाँ भाई सलमान खान जीत गया, ये सलमान खान जीतेगा। खतरनाक सच में अगर मनीषा रानी और फुकरा इंसान और अलीशादन नहीं रहते तो ये बिग बॉस नहीं चलता था। बाकी सब तो मेरे को खुद ही लगे इसमें, तो सही है अलीशादन जीता। अगर फुकरा इंसान जीता तो सेम खुशी होती। सो गाइस अभी एलिशा जीत गया, इसके लिए हम लोगों ने केक काटा है। देखो भाई बहुत बड़ा एलिश के लिए केक मंगाया है यार। यारज भाई सिस्टम इसको इसको इग्नोर करो, बोले सलमान खान जीतेगा, कहो सलमान खान जीतेगा, सलमान खान होस्ट करता है। सो गाइस फाइनली आज बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 फिनिश हुआ और हमको अपना विनर मिल गया जो कि है एलिश यादव। हाँ गाइस मैं बिग बॉस आज तक नहीं देखा है, बट इस टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा क्रेज़ था क्योंकि हमारे यूट्यूब कम्युनिटी के दो क्रिएटर वहाँ पे गए थे जो कि है फुकरा इंसान और एलविश यादव। मैंने बिग बॉस ज़्यादा करके नहीं देखा है, पर ज़्यादा करके मेरे फ्रेंड्स लोग सजेस्ट करते थे और देखते भी थे बहुत ज़्यादा। इस बार बिग बॉस का क्रेज़ इसके लिए ज़्यादा आया था कि एलविश यादव बिग बॉस में आया था। मतलब तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चाहता तो अपना अभिषेक मलवान जो कि है फुकरा इंसान वो भी जीत सकता था, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसको ना मतलब अपना जो फ्रेंडम था उसको पता है कि हाँ मेरे सब्सक्राइबर्स हैं इतने हैं इतने हैं, तो वो चीज़ को दिमाग में चढ़ गई थी। और कभी भी हमारे ज़िंदगी में जहाँ पे आपको ये एटीट्यूड और यह आ जाए ना कि हाँ मैं कुछ हूँ, वही टाइम पे भगवान आपको डाउन कर देता है। अभिषेक एक हफ्ते से बीमार था एंड उसका चलो नज़र नहीं है, बट अभिषेक एक महीना ज़्यादा गुजारा है एलिश के, फिर भी एलिश यादव क्यों जीता? बिकॉज एलविश के अंदर कभी भी घमंड नहीं था कोई चीज़ का, डाउन टू अर्थ था वो बंदा और हर एक चीज़ दिमाग से सोच के वो करता था। अभिषेक क्या था? जो मुंह पे है बोल दो, जो दिमाग में है मुंह पे बोल दो। एलविश ऐसा नहीं था, एलविश 10 बार सोचेगा, वो चीज़ों को एनालाइज करेगा, बोलेगा नहीं, बट जब पॉइंट आएगा ना फिर वो पॉइंट मारता है भाई। मतलब जब भी उन लोगों का झगड़ा हुआ था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैं बताने वाला हूँ जो कि मैंने क्लिप्स आती रहती है, मैं देखता रहता हूँ यूट्यूब पे। सो बस मोस्ट डिजर्विंग विनर था बिग बॉस में फर्स्ट टाइम, क्योंकि हर बार हम सोचते थे तो कोई और ही जीत जाता था, तो इस बार मोस्ट डिजर्विंग विनर हुआ है बिग बॉस का, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। छोड़ भी अगर वीडियो पसंद आई तो एलिश भाई के लिए लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर न्यू हो चैनल पर, अगर फर्स्ट टाइम मैं थोड़ा देख रहे हो तो। बस यही चाहता हूँ मेक योर बॉय ग्रो, ऐसे ही आपका भाई आगे बढ़े, जल्दी से जल्दी 10K सब्सक्राइबर भी हो जाए। सो मिलते हैं नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय।